नमस्कार दोस्तों तो आज हम बात करेंगे ऑन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू दैट इज डीप सी माइनिंग पिछले कुछ सालों से डीप सी माइनिंग बहुत ज्यादा होने लगा है और इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स हैं जिसे हम देखेंगे कि व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ डीप सी माइनिंग एंड ये क्यों होता है कैसे होता है सो लेट्स सी डीप सी माइनिंग व्हाट इज डीप सी माइनिंग दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिट्रीविंग मिनरल डिपोजिट फ्रॉम द डीप सी द एरिया ऑफ द ओशन बिलो टू हंड्रेड मीटर्स जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है ये डीप सी में होता है और डीप सी के अंदर जो माइनिंग की जाती है उसमें से रिट्रीव किए जाते हैं मिनरल्स को जो डिपोजिट्स है आपके सी फ्लोर पर उसको हम कहते हैं डीप सी माइनिंग और ये ओशियन माइनिंग साइट्स आर यूजली अराउंड द लार्ज एरिया ऑफ पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स और एक्सटिंक्ट हाइड्रोथर्मल वेंट्स जो आपके 1400 टू 3700 मीटर्स बिलो द ओशन सरफेस होते हैं उसमें से हम बोलते हैं डीप सी माइनिंग जो आपके ओशन फ्लोर पर बड़े बड़े स्टोन स्टोन साइज के shape, shape के शेप शेप होते हैं उसमें से मिनरल्स को हम निकालते हैं और वो हाइड्रोथर्मल वेंट्स भी होते हैं वहां पर जो आपका एक्सटिंक्ट वॉलकैनल होते हैं उसके अंदर जो लावा निकलता है उसमें जो सॉलिडिफिकेशन हो जाता है उसके अंदर भी मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं और जब उन मिनरल्स को हम रिट्रीव करते हैं डीप ओशन से उसको बोलते हैं हम डीप सी माइनिंग और उसका जो डेप्थ होता है वो होता है 1400 टू 3700 मीटर्स बिलो द ओशन सरफेस इसके अंदर आपको सल्फाइड डिपोजिट्स मिलते हैं जिसके अंदर गोल्ड कॉपर मैंगनीज कोबाल्ट जिंक सिल्वर होता है और बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो बहुत बड़े बड़े स्केल्स पर ये निकाले जा रहे हैं आर लुकिंग फॉर डीप डीप सी सी माइनिंग हम क्यों देखते हैं मिनरल्स को और माइनिंग क्यों करते हैं इसका आंसर हम ह्यूमंस ने ही निकाला है क्योंकि हम ह्यूमंस ने टेरिस्ट्रियल डिपॉजिट्स को ओवर एक्सप्लॉयट कर दिया है डिप्लीट कर दिया है जिससे डिमांड और इंक्रीज हो रही है क्योंकि आप सबको पता है स्मार्टफोन्स और हर इंडस्ट्री में मेटल यूज होता है हर चीज में मेटल यूज होता है जिससे डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है और आगे इंक्रीज होगी अभी ही डिमांड इतनी ज्यादा ज्यादा है तो आगे तो आगे बहुत होगी सो so, इसी की की वजह से ये डीप सी माइनिंग तरफ लोग जा रहे हैं और तो और पहले एक्सपेरिमेंटल माइनिंग होती थी सिर्फ लेकिन अब कमर्शियल माइनिंग भी शुरू हो चुकी है पिछले कुछ दशकों से बहुत बड़े स्केल पर सो so, Which deep sea minerals are there? At different different depths, we have different different minerals like polymetallic nodules आपको 4000 to 6000 meters पर होता है और इसमें निकल एंड कॉपर होता है and sulphide deposits आपका होता है 1400 to 3700 meters जिसमें आपको very important gold and silver भी मिलता है so demand is increasing on a daily basis So, इतनी डिमांड इतनी इंक्रीज हो रही है तो इसको रेगुलेट करने के लिए भी तो कोई बॉडी होगी सो रेगुलेशन ऑफ डीप सी माइनिंग जो आपका है वो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी 1994 में आया था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन जिसने एक बॉडी बनाई थी इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी जो रेगुलेट करती है नेशंस को डीप सी माइनिंग वेंचर्स पर आउटसाइड ईच नेशंस जिसमें वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनाती है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है जो आपका नेशन है उसमें उससे 200 हैल माइल जो एरिया सराउंडिंग कोस्टल नेशन है उसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अगर किसी नेशन को माइनिंग करनी है और वो ईईजेड जोन पर है तो वो अपने आप माइनिंग कर सकता है उसे किसी परमिशन की जरूरत नहीं है लेकिन अगर उसे EEZ 200 नॉटिकल माइल एरिया से ज्यादा एरिया में माइनिंग करनी है तो उसे आई से परमिशन लेनी होगी और आईएसए ये भी कहता है कि अगर आपको किसी दूसरे ओशन में किसी जैसे फॉर एग्जांपल हमें पैसिफिक ओशन में माइनिंग करनी है तो आपको आई एस ए को भी एक साइट देनी होगी मीन्स टू इक्वल माइनिंग शुड बी जिसमें एक साइड पर आईएसए माइनिंग करेगा आपके साथ साथ और दूसरी साइड पर आप माइनिंग करोगे और इस माइनिंग टेक्नोलॉजी का इस माइनिंग का जो पीरियड होता है कि आप कितने दिन तक यहाँ पर माइनिंग कर सकते हो वो है दस से बीस साल तक आप यहाँ पर माइनिंग अपना कर सकते हो नाउ दिस इज द मैप विच इज शोइंग कहा की जा रही है और जब से आपका फोर से लेके अभी तक थर्टी मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं और ये आप देख सकते हैं जो भी एब्रीविएशन है आपके आई एस ए कॉन्ट्रैक्ट जोन के और इसमें लिखा है एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज विद इन ई तो ये सारे प्रोजेक्ट्स आपके ई जोन में चल रहे हैं जिसमें से आपका सबसे बड़ा जोन है सी सी sea, जिसमें Seabed Exploration, जिसमें बेड एक्सप्लोरेशन डीप सी माइनिंग सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है डीप सी माइनिंग का बिस्मारक सी में सो देर आर मेनी प्रोजेक्ट्स विच आर गोइंग ऑन फॉर डीप सी माइनिंग बहुत ज्यादा डिमांड है तो प्रोजेक्ट्स भी ज्यादा है एंड इसका थ्रेट है क्या इसका बहुत ज्यादा थ्रेट है इसके बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं डीप सी माइनिंग के क्या है वो बताते हैं डीप सी माइनिंग आपकी जो मशीन्स हैं वो शिप्स पर रखी जाती हैं, जहां पर ये एक्टिविटी जोन बनाया गया है सो बड़ी बड़ी शिप्स एंड मशीन्स जो आपके ओशन फ्लोर पर आई है जिसमें से टू पाइप्स आपकी आती है एक आती है राइजर पाइप और एक आती है रिटर्न पाइप राइजर पाइप में आपका जाता है जो सी फ्लोर से आप मिनरल्स कलेक्ट कर रहे हो नोड्यूल्स में से सो so, ये आपके मिनरल्स कलेक्ट होकर ऊपर जाते हैं उन मिनरल्स में से जो डिपॉजिट जो आपका रेसिड्यू निकलता है वो रिटर्न पाइप से नीचे आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ सेडिमेंट्स सेडिमेंट्स की फॉर्म में वो यहाँ पे इसे कलेक्ट किया जाता है सी फ्लोर पर जिससे आपका ये प्लेन जो है वो ऊपर नीचे हो जाता है जिससे आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम में ऊपर नीचे हो जाता है और वो डिस्टर्ब हो जाते हैं जिससे आपका लॉस ऑफ सबस्ट्रेट भी होता है सी फ्लोर कॉम्पैक्शन भी होता है, हैबिटेट रिमूवल होता है एंड पॉसिबल इम्पैक्ट फ्रॉम लाइट पॉल्यूशन जो आपका लाइट यूज हो रही है इस एक्टिविटी को करने में लाइट पॉल्यूशन नॉइस पॉल्यूशन एंड जो आपका स्लरी लिफ्ट लैम्प है उससे भी बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होती है जिससे एक्वेटिक लाइफ में डिस्टर्बेंस आती है और उन्हें हार्म होता है क्या क्या होता है इसमें डिस्टर्बेंस ऑफ द सी फ्लोर जब भी आपका कोई फिजिकल डिस्टर्बेंस होता है किसी भी स्पीशीज में तो पॉसिबली वाइप आउट हो जाती है इंटायर स्पीशीज और उनका अगर हैबिटेट उनका खत्म हो जाता है उनका हैबिटेट में डिस्टर्बेंस आती है एक एक्वेटिक इकोसिस्टम में इस चीज की वजह से वाइब्रेशन की वजह से तो उसको एक साइंटिफिक स्टडी में देखा गया है कि थर्टी इयर्स तीस साल तक भी वो रिकवर नहीं कर पाती है दिस इज द साइंटिफिक प्रूफ की तीस साल तक भी वो रिकवर नहीं कर पाती है अगर उसकी हैबिटाइट में डिस्ट्रक्शन होता है सेकेंड इज सेडिमेंट प्लूम्स सेडिमेंट प्लूम्स में जो आपकी डीप सी माइनिंग से जो भी सेडिमेंट आ रहे हैं नीचे इन द फॉर्म ऑफ प्लूम्स उसमें रिमेन्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डस्ट होती है सिल्ट होता है क्ले होता है सब कुछ होता है जो प्लूम्स क्रिएट करते हैं ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स जिससे विजिबिलिटी ऑफ द ऑफ द वॉटर गेट डिस्टर्ब एंड मैनीटिकेट डिस्टर्ब पॉल्यूशन आपका बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होता है और तो और जो आपकी शिप्स जो आपकी सरफेस वेसल्स है उनमें होता है आपका फ्यूल जिससे बहुत ज्यादा पोटेंशियल लीक्स एंड स्पिल्स ऑफ फ्यूल एंड टॉक्सिक प्रोडक्ट्स तो ये सब चीजें हो जाती हैं जिससे उनकी लाइफ डेथ डेड हो जाती है डेथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिशेज टेक्स प्लेस इफ दिस पोटेंशियल लीक्स एंड स्पिल्स ऑफ फ्यूल्स एंड टॉक्सिक प्रोडक्ट्स अगर आपका हो जाता है एक्वेटिक इकोसिस्टम में वाटर बॉडी के अंदर एंड आप लोग ये बताओ कि क्या जो हमने ये सारी बात करी डीप सी माइनिंग की क्या ये इतनी डू वी रियली नीड दिस क्या इसकी इतनी जरूरत है अगर हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना है तो क्या हमें डीप सी माइनिंग करना चाहिए एंड वाई डू वी हैव सस्टेनेबल गोल ट्वेल्व एंड फोर्टीन सो ट्वेल्थ गोल आपका कहता है कि सस्टेनेबल कंजम्पशन ऑफ ओशन सो हम कर रहे हैं सस्टेनेबल कंजम्प्शन नहीं और फोर्टींथ गोल आपका कहता है कि सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन आर वी डूइंग सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन कहाँ से हम कर रहे हैं हम सी फ्लोर पर गंदगी हम फैला रहे हैं जिससे एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब हो रही है फिजिकल डिस्टर्बेंस उन्हें हो रहा है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन उनका हो रहा है नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है डीप सी डीप सी वाइब्रेशन हो रही है तो इतना ज्यादा जो ये नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है सो ये सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन नहीं है तो क्या हम टेरिस्ट्रियल डिपॉजिट्स को सस्टेनेबली यूज नहीं कर सकते जिससे ये सारी चीजें ना हो सो so, मैंने अपनी राय रखी आप लोग भी अपनी राय रखें सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो इफ यू लाइक इट प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एंड कीप योर यमेंट क्लीन एंड हैप्पी थैंक यू सो मच